हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे आप सब, होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी होगी। टाइम हुआ मॉर्निंग के 8:30 जब मैं नहा के तैयार हूँ और मंजीत भी नहा लिया, वो कर रहे हैं पूजा। चलिए मिलवाते हैं आपको, दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ चावल। कर दिया मैंने कुकर भी रेडी। तो ये चावल मैंने कर दिए, इसमें सिंपल चावल बनाए हैं और दही के साथ को। सो गाइज, अभी मैं खा रही हूँ नमकीन, दो तरह की है। और यहाँ पे मैं सिल रही थी सूट, तो मैंने सोचा क्यों ना नमकीन खाई जाए। टाइम हो गया इवनिंग के 5:30। हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस। सो टाइम हो गया शाम के 6, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना बना लिया जाए। तो आज मैं बनाऊंगी दाल और रोटी। कुकर मैंने तैयार कर लिया, दाल उतार ली। तो दाल को वॉश करके रखती हूँ मैं उबलने के लिए, और उसके बाद तड़के की तैयारी करती हूँ। और आज मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरा हेडेक था पूरा दिन से। मैंने बस थोड़े से सूट सी लिए, फिर मैं सो गई थी, फिर शाम को उठ के नमकीन खाई, थोड़ा सा दूध पिया था, और अब मैं बना रही हूँ दाल और रोटी। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी आटा, और दाल की भी सारी तैयारी हो गई है। दाल को रख देती हूँ अब ढक्कन लगा के उबलने के लिए। ये आटा बन गया मेरा, अब मैं इसको रख देती हूँ ढक के थोड़ी देर रेस्ट पे। तब तक के लिए दाल में टमाटर, हरी मिर्ची को कर लिया मैंने पीसेस में कट, मिक्सी के जार में ही घुमाऊंगी इनको। पैन रख दिया मैंने, टमाटर का पेस्ट रेडी है, दाल भी बॉईल हो गई है। अब इसमें तड़के की तैयारी करनी है, बस तड़का लगाना है। फ्राई पैन में सब कुछ इस साइड इकट्ठा हो जाता है, सारा तेल आके सब कुछ। चलिए टमाटर डालती हूँ इसमें। ये मेरा रेडी हो गया, ढक के बस दाल को 5 मिनट पकाऊंगी, दाल से पलट दूंगी। दाल को मैंने पलट दिया, अब इसमें एक उबाल आने तक इसको ढक के पका। साथ साथ मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी की भी सारी तैयारी कर ली है मैंने। अब मैं करूंगी ये बर्तन साफ, थोड़े से ही हैं, किचन साफ करूंगी। खाना तो अभी नहीं खा रहे क्योंकि अभी मैंने एक लड्डू खा लिया है इस वजह से, तो पहले मैं बर्तन साफ करती हूँ। तो जी, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, बस ये प्लेट रखी हुई है इसके ऊपर।
यार बर्तन भी साफ हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर, आज पूरा दिन ऐसे ही गया है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, सो गाइस देख सकते हैं आप बारिश। ये थोड़ा सा नीचे उन्होंने आग बना रखी है धुएं के, उससे नहीं दिख रहा, अदरवाइज बारिश आई है। बादल भी गरज रहे हैं, देख सकते हैं गाइस बारिश आ रही है। चलिए अब खाना खाते हैं। तो ये मेरी दाल रोटी रेडी है, खाना खाऊंगी बस अब। आइए आप सभी भी खा लीजिए।